नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिहार के पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ अपने सभा में संबोधित करते लोगों को लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुने। आप याद करिए, लालू जी के समय में कैसे बिहार के सामने अपनी पहचान का गंभीर संकट आ खड़ा हुआ था, और नीतीश जी के समय गौरव के साथ हर बिहार का वासी कह सकता है कि मैं भी बिहार का वासी हूं, उस बिहार का वासी जिसने बौद्धिक संपदा में दुनिया का और देश का नेतृत्व किया है, जिसने इस देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की विरासत दी है। मित्रों, उस गौरवशाली परंपरा को ले जाने और संवारने, आगे बढ़ाने का सौभाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि 15 वर्ष का लालू जी के कुशासन को भी आपने देखा, जब बिहार के प्रत्येक नौजवान के सामने अपने स्वयं की पहचान को बचाने का संकट खड़ा हुआ था, और आज का वह समय जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और सुशील मोदी जी के साथ मिलकर के आप लोग बिहार के अंदर जब सरकार चला रहे हैं, हर बिहारवासी भी कह सकता है मैं बिहार का वासी हूं, बिहार का नागरिक हूं। सुशासन के तट पर होने वाला विकास कार्य अपनी एक पहचान रखता है, और वह पहचान हमेशा आपको आगे बढ़ाता है, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारों ने वह पहचान दिलाने का कार्य किया। तो देखा आपने योगी आदित्यनाथ किस तरह से लालू यादव पे जमकर बरसे, और वहीं साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार और सुशील मोदी और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार से राज्य की जनता को कितना फायदा पहुंचा है ये भी उन्होंने बताया। इससे साफ जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरा बीजेपी जो है वो चुनावी रण में रंग चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि इन सभाओं का बीजेपी को आने वाले चुनाव में कितना फायदा पहुंचता है, ये तो चुनाव के बाद ही साफ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजतिलक के साथ अभिनव रंजन, हेडलाइंस बिहार।